हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा। बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से। भी केएसयू के ऐसे स्टूडेंट जो सत्र 2024-28 में इस बार नामांकन लेने के लिए वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में अप्लाई किए थे, उनका फर्स्ट मेरिट लिस्ट को जारी कर दिया गया है। कितना मेरिट लिस्ट का कट ऑफ है पूरा डिटेल्स में चलिए समझते हैं। फर्स्ट मेरिट लिस्ट को कैसे डाउनलोड करना है, उसके बाद कैसे पेमेंट करना है, कब तक डेट है पेमेंट करने का, कब तक कॉलेज में वेरिफिकेशन का डेट है, पूरा डिटेल्स में समझ लेंगे। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा से पल पल का खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय का ये सबसे पुराना चैनल है एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा stresult.com वेबसाइट। तो जो भी छात्र छात्रा नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाइए। VKSU सेशन 2024-28 टेलीग्राम एक ऐप होता है, उसको इंस्टॉल कीजिए और वहाँ पर लिखिए VKSU सेशन 2024-28 और यहाँ जुड़ जाइए। अभी 93 लोग जुड़ गए हैं, ये नया ग्रुप बनाया गया है, स्पेशल टेलीग्राम ग्रुप है सत्र 2024-28 का। तो इस ग्रुप में जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं। अब चलिए कैसे मेरिट लिस्ट को देखना है, चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। गूगल पर सर्च करना है stresult.com, 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 देख सकते हैं आपका अपना वेबसाइट खुल गया है। तो देख सकते हैं आपका ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट stresult.com खुल गया है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा कैटेगरी, कैटेगरी के नीचे आइएगा तो आपको दिखाई देगा VKSU वाला। यहाँ से सारा VKSU का अपडेट मिलता है, लेकिन जो लेटेस्ट पोस्ट रहता है उसको सबसे ऊपर डाल दिया जाता है। देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में ही दिखाई दे रहा है VKSU UG एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये आपका पोस्ट खुल गया है। अब देखिए यहाँ पर नीचे आइएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑफिशियल नोटिस है। ये नोटिस में क्या है चलिए समझ लेते हैं। देखिए आज आपका 8/6/2024 को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आया है। 14/6/2024 को शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ध्यान रहे चयनित छात्र छात्राएँ प्रोसीड फॉर पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि उन्हें किस महाविद्यालय में नामांकन शुल्क जमा करना है, नहीं तो किसी भी परिस्थिति में जमा शुल्क वापस नहीं होगा। देखिए जो कॉलेज में आपका नाम आया है अगर उसमें एडमिशन लेना है तभी पेमेंट कीजिएगा, अगर पेमेंट कर दिए तो पेमेंट वापस नहीं होगा, ये सब बातों का ध्यान रखना है। और आप लोग को पेमेंट 14/6/2024 शाम 5 बजे तक ऑनलाइन कर पाएंगे। 15/6/2024 को शाम 4 बजे तक आप अपने कॉलेज में जाकर इसको वेरीफाई करा सकते हैं। और नीचे देखिए क्या लिखा है, पंजीयन शुल्क एवं प्रयोगशाला शुल्क के अतिरिक्त ST SC के छात्र छात्राएं एवं सभी कोटि के छात्राओं से किसी प्रकार का कोई शुल्क नामांकन मद में नहीं लिया जाए। ये सब नोटिस है। अब देखिए यहाँ से आप फर्स्ट मेरिट लिस्ट को क्लिक हियर पर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ से आप कट ऑफ को देख सकते हैं, कितना आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट का कट ऑफ गया है यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट देखने के लिए यहाँ पर क्लिक हियर पर करते हैं क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आप चलिए यहाँ पर ईमेल आईडी, आप फॉर्म भरे होंगे 24/28 का तो आपको ईमेल आईडी मिला होगा, ईमेल और मोबाइल पर गया होगा। तो ईमेल आईडी और यहाँ पर पासवर्ड डाल के चलिए आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जो लोग का भूल गया है यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप ईमेल आईडी पासवर्ड मंगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करते हैं। तो देख सकते हैं आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, छात्र जिनके अकाउंट से पेमेंट कट गया है परंतु पोर्टल पर अपडेट नहीं हुआ ऐसे छात्र 3 घंटे के पश्चात ही पुनः भुगतान प्रयास करें। देखिए आप प्रोसीड फॉर पेमेंट कर रहे हैं, आपका पेमेंट अपडेट नहीं हो पा रहा है, पेमेंट फंस जा रहा है, तो 3 घंटा का इंतजार कर लेना है, अन्यथा दोबारा पेमेंट कटने पर भुगतान की वापसी नहीं होगी। दोबारा पेमेंट कीजिएगा तो आपको पैसा यहाँ पर रिफंड नहीं होगा, ये सब बातों का ध्यान रखना है। देख सकते हैं ये आपका प्रवेश का पूरा प्रक्रिया यहाँ पर 6 स्टेप में बताया गया है, आपको हम यहाँ पर शॉर्ट वे में बता देते हैं। देखिए जैसे ही यहाँ पर लॉगिन किए यहाँ से आप प्रिंट फॉर्म, यहाँ से प्रिंट फॉर्म से प्रिंट फॉर्म निकाल लीजिए, जिनके पास नहीं है, जिनके पास है तो रखे होंगे। प्रिंट मेरिट कार्ड पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ से आपका प्रिंट मेरिट कार्ड निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पूरा आपका विवरण रहेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखना है, प्रवेश हेतु इच्छुक महाविद्यालय का चयन करें। तो यहाँ पर देखिए आपको चयन कर लेना है,
सबसे पहले यहाँ पर आपका जिसमें नाम आया रहेगा केवल वही कॉलेज दिखेगा। इनका श्री त्रिनंदी देव गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज गौतम नगर शाहपुर आया है तो इनका दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर कॉलेज सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद यहाँ पर टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर प्रवेश शुल्क भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक करें, यहाँ पर आपको कर देना है क्लिक। यहाँ पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं इनका यहाँ पर 2855 रुपया लग रहा है, आपको बताते चले वही 3000 के आसपास आपका पैसा लगता है। प्राइवेट कॉलेज है तो कुछ वहाँ ज़्यादा पैसा लेता है लोग, लेकिन ST SC का कोई भी बॉयज़ गर्ल्स का पैसा नहीं लगेगा और सभी कैटेगरी का गर्ल्स का भी एक भी रुपया नहीं लगने वाला है, केवल प्रयोगशाला शुल्क लगेगा। देखिए नोटिस में क्या लिखा गया है, केवल प्रयोगशाला का शुल्क लगेगा, प्रयोगशाला का केवल शुल्क लगेगा। और क्या का शुल्क लगेगा, तो पंजीयन का शुल्क लगेगा। यहाँ पर कंफर्म एंड पे पर क्लिक कर देना है, उसके बाद पेमेंट को आप कर सकते हैं UPI के माध्यम से, डेबिट कार्ड के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। उसके बाद इसका एक आप प्रिंट निकाल लीजिएगा, आप डॉक्यूमेंट में मैट्रिक का मार्कशीट, इंटर का मार्कशीट, ये प्रिंट और जो फॉर्म भरे होंगे, अप्लाई किए होंगे, उसका प्रिंट निकाल के ये सब डॉक्यूमेंट अटैच करके कॉलेज में जाके वेरीफाई करा सकते हैं। याद रहे अंतिम तिथि पेमेंट का 14/6/2024 शाम 5 बजे है, वही 15/6/2024 शाम 4 बजे तक कॉलेज में आप अपडेट करा सकते हैं। कहने का मतलब है कॉलेज में अपडेट कराने का कि जाके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हैं। पल पल का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।